गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी इट्स योर हिंदी क्लास वर्क एंड टूडेज डेट इज एट डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी सो लेट स्टार्ट आवर टूडेज हिंदी क्लास वर्क और आप सब कैसे हो आई होप कि आप सब घर पे अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे हो है ना आप सब बच्चे बहुत ही अच्छे हो अच्छे से पढ़ाई करना ओके okay? और होमवर्क क्लास होमवर्क और क्लास वर्क के जितने भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है विथ ऑल एक्टिविटी क्लासेस वो सब अच्छे से आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ओके okay? जैसे आप स्कूल में करते थे वैसे ही आप आपको घर पे भी ऐसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ओके okay? और जो गुड हैबिट्स है वो कभी भी आप लोग उसको कंटिन्यू रखना जो गुड हैबिट्स है उसको ओके okay? जैसे कि सुबह जल्दी उठना ब्रश करना ओके देन नहाना और अच्छे से अपना पढ़ाई करना और खाना पीना का ज़रूर ध्यान रखना और अपना खुद का अच्छे से ख्याल रखना ओके तो चलो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं ओके सो स्टूडेंट्स इन योर अक्षर परिचय हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर टू यहाँ पे जो ये स्वर है ये आपको अच्छे से पता है कि ये कौन सा स्वर है बताइए कौन सा स्वर है हम ये सीख चुके हैं ये है अ ठीक है अ से होते हैं अनार ठीक है देखो ये एक अनार है है ना ओके तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सा स्वर है ये है अ ठीक है और अगर मैं आपसे पूछूं कि अ से बने एक शब्द हमें बताइए तो आपको बोलना होगा अनार ठीक है तो ये है अ और अ से होते हैं अनार हमें अ लिखना आता है और अस अ से बने जो शब्द है अनार ये भी हमें लिखना आता है है ना तो चलो हम फिर से इसको प्रैक्टिस करते हैं ओके okay. तो अभी हम सबसे पहले अ लिखेंगे ये है अ ठीक है और अ से बनते हैं अनार अभी हम अनार भी लिखेंगे कैसे लिखेंगे आप लोगों को पता है सबसे पहले हम अ लिखेंगे यही लिखेंगे उसके बाद न है ना न उसके बाद न से आ तो अ फिर हो गया न अब र ऐसे र लिखते हैं तो ये हो गया अनार ठीक है तो आप लोगों को भी घर पे ऐसे ही प्रैक्टिस करना है सबसे पहले हम अ लिखेंगे उसके बाद अनार लिखेंगे यही आपका आज का क्लास वर्क है तो आई होप कि आप लोग सीख चुके हो और अच्छे से आप लोगों को याद भी हो गया है घर पे ये अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा खुद का ख्याल रखिएगा ओके सो थैंक यू नर्सरी आवर टूडेज हिंदी क्लास वर्क इज़ ओवर